गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है दिन सोमवार का, शाम का 6:30 बज रहा है। तो आज का व्लॉग मेरा शाम के 6:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा चिपकू दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि कल संडे रामदार का, जो हम लोग रामदार टेम्पल गए थे ना घूमने के लिए, वो तो आपने व्लॉग में देखा ही होगा। तो बस वहाँ से आने के बाद थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत तेज़ी से सर दर्द हो रहा था। तो इसी वजह से मैंने जो है अच्छे से मस्टर्ड ऑयल मेथी में पका के अच्छे से सर में लगा रखा है। और छुट्टी का दिन कैसे निकल जाता है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। मतलब छुट्टी जब सैटरडे संडे आता है ना, तब तो बहुत ही खुशी मिलती है कि चलो छुट्टी छुट्टी, लेकिन इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से सैटरडे संडे बीत जाता है। और उसके बाद जब फिर मंडे आता है ना, तो बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि संडे इतनी जल्दी बीत गया। और इतना ज़्यादा आलस आता है, इतनी सुस्ती आती है कि घर के कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो आज सुबह से मुझे भी बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही थी, सोचा था कल की मॉर्निंग में उठ के जो है व्लॉग जो है ये वीडियो शूट करूंगी, बट बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो यहाँ फिर शाम को 6 बजे से मैंने स्टार्ट किया। तो आज शाम को खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल, लेकिन कल जो है ना मैंने चने की दाल भिगोई थी। ऐसे तो मेरा पूरन पूरी बनाने का मन था यूट्यूब में देख देख के, मुझे पूरन पूरी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ सामने भाभी निवेदिता भाभी जब भी बनाती हैं तो मुझे देती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट है पूरन पूरी। तो मैं सोच रही थी कि यूट्यूब में बना के मैं भी बनाना सीखती हूँ कैसे बनती है। तो मैंने ये जो चने की दाल है ना, मैंने पूरन पूरी बनाने के लिए भिगोई थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, दाल भरे पराठे ही बना लेती हूँ। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में पूरन पूरी बनती है ना, पूरन पूरी थोड़ी सी मीठी होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ यूपी में दाल के पराठे बोलते हैं, इसे बोलते हैं दाल भरी। तो यहाँ पर मैंने दाल को, चने की दाल को पहले अच्छे से कढ़ाई में ढेर सारे लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, हींग और सूखा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, इन सब चीज़ों से अच्छे से तड़का दे दिया और इसको कढ़ाई पर अच्छे से पकाकर ठंडा कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने जो है इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल महीन, बिल्कुल इसका बिल्कुल पेस्ट बना लेना है पाउडर की तरह, बिल्कुल महीन। तो और दाल को ना बिल्कुल चटपटा, जितना आप चटपटा खाना चाहो उतना चटपटा आप जो है इसको फ्राई कर सकते हो। तो बस इसको मैंने चटपटा चटपटा जो है दोपहर में ही फ्राई करके रख लिया था, और उसके बाद शाम को जो है मैंने ये दाल पीस कर रख ली, क्योंकि आज शाम को हमारा दाल भरे पराठे बनाने का मन है। तो यहाँ पे चौहान साहब भी जो है नीचे से क्रिकेट खेल के आ चुके थे, सारी तैयारी करते करते 8 बज गया था, और मैं और मम्मी भी नीचे इवनिंग वॉक करके आने के बाद ही जो है मैंने खाना वगैरह बनाना शुरू किया। तो शाम को मैं और मम्मी चाय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्रीन टी पीते हैं। तो चौहान साहब ने बोला कि मेरे लिए चाय बना दो, तो बस यहाँ ये दाल भरे पराठों की तैयारी करते करते मैंने जो है चाय बनने के लिए भी रख दिया। और आटा भी आज मैंने दोपहर में खाना बनाया था ना, तो उसी में मैंने आटा ज़्यादा गूंथ के रख लिया था कि शाम को मुझे ना गूंथना पड़े। तो बस उसी आटे को अच्छे से हाथ में ऑयल लगा के मसल मसल कर मुलायम कर रही हूँ, क्योंकि पराठे के लिए आटा ना थोड़ा सा मुलायम ही चाहिए होता है। और आटा जब मुलायम होता है तभी पराठे अच्छे से बेलते बनते हैं, और जब पराठे अच्छे से बिले हुए होते हैं तभी वो बढ़िया फूलते है गुब्बारे की तरह। बहुत लोगों का इशू रहता है ना कि उनके पराठे फूलते नहीं है, फट जाते हैं, तो वो सारा आटे पे डिपेंड करता है। अगर आपने आटा अच्छे से गूंथा है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट है, तो पराठे आपके जरूर फूलेंगे और फटेंगे भी नहीं कहीं से। तो यहाँ पे आटा वगैरह मैंने अच्छे से मसल लिया था, मुलायम कर लिया था, और चाय हमारी एक तरफ पक ही रही थी, तो यहाँ पे मैंने जो है पराठों को जो है भर भर के बेलना शुरू किया। ऐसे तो आलू के पराठे मैं जब बनाती हूँ ना, तो वो मेरे थोड़े बहुत टूट जाते हैं, फट जाते हैं, क्योंकि आलू गीला होता है ना, लेकिन ये दाल के पराठे कभी भी टूटते और फटते नहीं है, बढ़िया बेलते हैं और फूलते भी अच्छे से हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना आज पहली बात तो मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर जब मैं काम में लगती हूँ ना तो फिर मैं एकदम से लग जाती हूँ। और आजकल तो जब से मम्मी आ गई है ना, तो मुझे घर के कामों में मम्मी का बड़ा सपोर्ट मिल जाता है, मम्मी भी घर के कामों में लग जाती हैं, मेरी काफ़ी हेल्प कर देती हैं, तो मेरे बाकी के काम जल्दी निपट जाते हैं। नहीं, पहले तो मैं अकेले ही सारे काम किया करती थी, तो अभी फ़िलहाल मम्मी की हेल्प मिल जाती है, मम्मी के आने से मुझे बड़ा रिलैक्स है, मम्मी बहुत हेल्प कर देती हैं किचन के कामों में। तो यहाँ पे मैं जो है पराठे बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, और ये देखिए मेरे चने की दाल के पराठे कैसे फूल रहे हैं। तो पराठे अगर अच्छे से बिले होते हैं ना तो वो ज़रूर फूलते, अगर कहीं से फट गया तभी वो नहीं फूलता। और एक तरफ यहाँ चाय बनकर रेडी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं चौहान साहब को जो है चाय लेकर जो है चाय छान कर देने जा रही थी गैस पर। जो पराठे जो है ना हम लोग धीमी आँच पर ही पकाते हैं, ताकि थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची
क्रंची क्रंची से बने। तो यहाँ पे पराठा पक रहा था और चौहान साहब को मैं चाय देकर आ गई, खाने के लिए भी पूछा लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो जो है ना ठंडे पराठे खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला पराठा बन चुका था, तो मैंने जो है मम्मी की खाने की प्लेट लगा दी। और ये दाल भरे पराठों के साथ में हम जो है दही ले रहे हैं और टमाटर धनिया लहसुन हरी मिर्च की चटनी। तो मैंने यहाँ पे मम्मी की प्लेट लगा दी कि मम्मी को गर्मा गर्म जो है दही चटनी पराठा खिला देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म पराठा खा लीजिए आके। स्वागत है आप लोगों का यूपी के दाल के पराठे। तो यहाँ पे मम्मी को प्लेट लगा कर दे दी। मम्मी चौहान साहब से भी कह रही थी चलो आओ मेरे साथ खा लो, इसी प्लेट में खा लो, लेकिन सुमित ने नहीं खाया। बोले मम्मी आप खाओ, जब ठंडे हो जाएंगे मैं तब खाऊंगा। तो फिलहाल मम्मी को मेरे पराठे बहुत अच्छे लगे और मम्मी पराठों की तारीफ भी कर रही थी क्योंकि पहले मुझे भी पराठे इतने अच्छे से बनाने नहीं आते थे ना, वो फट जाते थे, टूट जाते थे, कभी किसी किसी में आटा बीच में मोटा मोटा रह जाता था। लेकिन आज मम्मी कह रही थी कि सालू अभी तुम्हारे पराठे अच्छे बनने लगे हैं, आलू के पराठे भी अच्छे बनते हैं और दाल के पराठे भी, पूरे पराठों में दाल अच्छे से फैली है और बढ़िया कुरकुरे कुरकुरे टेस्टी पराठे बने। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पराठे पहले मम्मी को बनाकर खिलाए और यहाँ पे फिर आकर जो है अपने और चौहान साहब के लिए मैं पराठे बनाने लगी। और पराठे बना ही रही थी तब तक मम्मी भी जो है खाना खाकर आ गई थी। तो मम्मी जो है शाम को वैसे खाना अवॉइड करती हैं, खाना शाम को कम ही खाती हैं, खाना नहीं पसंद करती वो। लेकिन कभी कभी जैसे हम लोग कुछ अच्छा बनाते हैं ना, जैसे आलू के पराठे हो गए, दाल के पराठे हो गए या कुछ भी ऐसा स्पेशल खाना हो गया, तो फिर मम्मी को हम लोग ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा खिला देते हैं कि कोई बात नहीं मम्मी खा लो, इतने से कुछ नहीं होगा। तो फिर आज दाल के पराठे बनाए थे ना, मम्मी खा नहीं रही थी लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उनको प्लेट लगा कर दे आई थी। तो मम्मी जो है पराठा अपना ख़त्म करके फिर मेरे पास किचन में आ गई और मेरे से बार बार कह रही थी कि तुम जाओ गरम गरम पराठे खा लो जाके, मैं बना देती हूँ। मम्मी को पता है कि मुझे भी जो है गरम गरम खाना ही खाने की आदत है, खाना हो या पराठे हो या रोटी, मुझे भी गर्मा गर्म फूली फूली ही अच्छी लगती हैं। तो मम्मी आके यहाँ मेरे साथ लग गई कि तुम अपनी थाली लेकर जाओ, यहाँ पे बाकी के जो बचे पराठे हैं वो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है पराठे जो सेक रही थी बस यही लेकर मैं चली गई और मम्मी फिर बनाने लगी जो भी पराठे बचे थे। और जब तक मैं रूम में जाके मैंने अपना खाना ख़त्म किया, मैंने और चौहान साहब ने दोनों ने साथ साथ ही खाना खाया। तो जब तक मैंने ये पराठे मतलब फिनिश किए तब तक जो है मम्मी ने पराठे भी बना दिए और किचन की क्लीनिंग का जो काम होता है, किचन मेरी पूरी क्लीन करके मम्मी ने साफ़ कर दी थी, बर्तन सारे धुल के रख दिए थे। हालांकि मैं भी मना कर रही थी मम्मी को कि मम्मी आप दिन भर मेरी बहुत सारी हेल्प कर देते हो, तो अभी मैं कर लूँगी, दोपहर में भी मम्मी ने ही आधे से ज़्यादा काम निपटाया था। तो मम्मी ने बोला कोई नहीं तुम खा लो, मैं भी खा ली हूँ तो मैं कर दे रही हूँ। तो मम्मी ने किचन साफ़ कर दी थी, मम्मी ने बर्तन भी क्लीन कर दिए थे। फिर हम लोग खाने के बाद चले गए नीचे टहलने के लिए। शाम के टाइम हम लोग जो है खाना खाने के बाद नीचे 15 मिनट के लिए टहलने ज़रूर जाते हैं। क्या है ना, खाना खा के तुरंत लेट जाओ तो फिर पेट में बड़ा अजीब सा होने लगता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता और नींद भी अच्छे से नहीं आती। तो खाना खाने के बाद शाम को टहल कर आ जाओ ना तो बड़ी लाइट फीलिंग आती है और खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखो शेरू डॉगी है, इसको हम लोग शेरू बोलते हैं। तो ये बहुत सीधा है, बहुत अच्छा है, जब भी आओ ना तो बहुत हम लोग के साथ खेलता है। तो बस इसके लिए भी थोड़ा सा खाना रखा था दोपहर का, तो इसके लिए भी मैं लेके आई थी प्लेट में कि डाल दूँगी तो यहाँ पे ये लोग भी खा लेंगे। तो शेरू को और जो दूसरा डॉगी था उसको हमने खाना दे दिया, वो लोग खा रहे थे। उसके बाद हमने भी 3-4 चक्कर लगाए और टहलने के बाद फिर हम लोग आ गए ऊपर। यहाँ पे हमने कुछ साड़ियाँ जो है फॉल पिको के लिए दी थी, नई साड़ियाँ हमारी रखी थी, रेडी नहीं थी, हालांकि उनके ब्लाउज हमने रेडी करवा लिए हैं। तो साड़ियाँ भी फॉल पिको होके वापस आ गई थी, तो बस मम्मी साड़ियाँ देख रही थी तो मैं भी बैठ के साड़ियाँ ही देखने लगी। और उसके बाद फिर मम्मी साड़ियाँ सारी फोल्ड करके रखने लगी। और आज हाँ दोपहर में मैंने कपड़े धुल के रखे थे, वो कपड़े अभी भी रखे हुए हैं, मैं उनको फैलाना भूल गई थी। कल इसी तबीयत ख़राब हो गई थी ना मेरी, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, फिर मैंने रात में खाना भी नहीं खाया। तो आज पूरा दिन भी बड़ा आलस से भरा हुआ था, बड़ा थका थका सा था कि मतलब दोपहर में भी मैं जो है ज़्यादा मैंने काम वाम नहीं किया, बस नहाया धोया खाने की तैयारी की और अपना लेट गई। तो यहाँ पे ये सुबह वाले जो कपड़े हैं जो नहाते टाइम मैंने धुले थे, वो सारे कपड़े ला के मैंने जो है रात में फैला दिए कि सुबह तक अच्छे से सूख जाएंगे, तो इनको सुबह उठा कर मैं रख लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह फैलाए और इधर
जो है मम्मी अलमारियों में जो साड़ियाँ फॉल पिको होके आई हैं, मम्मी सारी साड़ियाँ जो है अलमारी में लगा रही थी। और हाँ, बातों बातों में तो मैं एक बात आपको बताना भूल ही गई थी कि हम लोग थर्सडे को मॉर्निंग में जो है जा रहे हैं औरंगाबाद, मम्मी का जो है निरंकारी समागम है, तो हम लोग थर्सडे को औरंगाबाद निकल जाएंगे समागम के लिए। तो उसकी भी तैयारी हो रही है, मम्मी ने तो शाम को अपना बैग लगा लिया अपना बैग मम्मी ने रेडी कर लिया, क्या क्या कपड़े कैसे ले जाने हैं, मम्मी की पूरी तैयारी हो गई है। बस मैंने अभी अपना बैग रेडी नहीं किया, हम लोग 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा कपड़े वगैरह ठीक से ले जाने पड़ेंगे। ठंडा मौसम होता है तो स्वेटर गर्म कपड़े भी ले जाने पड़ेंगे, तो मुझे अपना बैग भी लगाना है। मम्मी मुझसे बार बार कह रही थी कि तुम भी अपना बैग लगा लो, अपने कपड़े देख लो। चौहान साहब भी मुझसे कह रहे थे कि अपना बैग लगा लो। तो बस यहाँ पे अभी ये सारे काम ख़त्म हो गए हैं, नाइट वाले मम्मी का बेड भी मैंने लगा दिया है, बिस्तर बिछा दिया। तो और यहाँ पे मम्मी जो है पैर में ना पैरासूट ऑयल की मसाज कर रही है। सोने से पहले मेरी भी आदत है, मम्मी की भी आदत है, हम लोग हाथ पैर में पैरासूट ऑयल की अच्छे से मसाज कर देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जो है पैरासूट ऑयल की जब तक मसाज कर रही थी, मैं जो है दूध गर्म करके ले आई और यहाँ पे बैठ के मैं और मम्मी बिल्कुल गर्म गर्म दूध है सिप सिप करके चाय की तरह पी रहे हैं। हम लोगों की आदत है कि हम लोग रात में सोने से पहले दूध चाहे एक कप ही ले, लेकिन हम लोग दूध लेते ज़रूर है। और रात में खाने के बाद सोने से पहले दूध पीना बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है और हेल्दी भी रहते हैं हम लोग। और पता है रात में दूध पी के सोने से ना नींद काफ़ी अच्छी आती है। तो बस यहाँ पे मैं और मम्मी बातें करते करते दूध पी रहे थे, और जब भी हमारा ये मेरा तो दूध फिनिश हो चुका था, मैं जल्दी जल्दी अपना पी गई और मम्मी का भी जब दूध फिनिश हो गया तो फिर मम्मी भी जो है सोने के लिए लेट गई, क्योंकि हम लोग दोपहर में नहीं सोते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, तो रात में नींद जल्दी आने लगती है। बस मम्मी ने यहाँ पे अपने हॉल की लाइट ऑफ कर दी, मम्मी लेट गई, फिर मैं अंदर आ गई। यहाँ चौहान साहब का जो है ऑफिस चल रहा था, तो चौहान साहब जो है दूसरे रूम में हैं। तो यहाँ पे आज बेडशीट दोपहर में ही मुझे चेंज करनी थी, बेडशीट तो चेंज कर दी थी बट बिछाने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे जो है मैंने जो है बेडशीट फटाफट अच्छे से बेड झाड़ा, क्या है ना यहीं पे बैठे रहते हम लोग रूम में चाय नाश्ता करते हैं ना, तो जो है बेडशीट गंदी हो ही जाती है। तो सोने से पहले मैं रेगुलर जो है अपना बेड अच्छे से झाड़ के बेडशीट फिर से और अच्छे से बिछाती हूँ। तो यहाँ पर जो है अपना बेड वगैरह रेडी किया अच्छे से, और अभी मुझे भी जो है अपने बैग में कौन कौन से कपड़े रखने हैं मुझे वो भी देखने हैं। मैंने अभी एक बार भी नहीं चेक किया कि मैं कौन से कपड़े ले जाऊँगी, अपने और चौहान साहब के दोनों के। तो बस यहाँ पर अलमारी खोल के मैं बस यही चेक कर रही थी कि मैं कल बैग में कौन कौन से कपड़े रखूँगी, क्या क्या सामान ले कर जाऊँगी, अपने कपड़े और चौहान साहब के दोनों के कपड़े देख रही थी, अपना बैग चेक कर रही थी कि मुझे कौन सा बैग ले कर जाना है। फिलहाल अभी मेरा तो सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, मैंने बैग तक डिसाइड नहीं किया कि मैं किस बैग में सामान रखूं। तो फिलहाल मैं भी सामान जो है आज से कल तक में सारा सामान मैं भी लगा लूँगी, बैग पैक कर लूँगी, वरना चौहान साहब बाद में जब एन वक्त पे मैं सारे काम लेके बैठूँगी ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह देखे, और रात में सोने से पहले रेगुलर ना अपने फेस पे जो रोज़ वाटर होता है ना उस पे उससे जो है फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ और एलोवेरा जेल से मसाज कर देती हूँ, और फिर मसाज करके फेस को ऐसे ही गीला गीला करके छोड़ देती हूँ, उसे अपने आप सूखने देती हूँ और ऐसे ही मसाज करके सो जाती हूँ। रात में फेस पे जो है ना ये रोज़ वाटर एलोवेरा बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मुझे तो सूट करता है, इस वजह से मैं नाइट में रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ सोने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे रात का 11 बज चुका था, और ये शाम का जो मेरा पूरा आज रात का रूटीन है वो तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया। तो आपको ये मेरा आज का शाम का जो वीडियो है, मेरा ये जो नाइट रूटीन है कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड माई यूट्यूब फैमिली और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए बस इतना ही, राधे राधे, जय माता।